किया तूने ऐसा? अरे तू मेरा बड़ा भाई था, मेरा बेस्ट फ्रेंड। अरे तू सोच भी कैसे सकता कि कविता की मौत का जिम्मेदार मैं हूं? अगर तेरे मन में मेरे लिए इतनी नफरत थी तो मुझसे एक बार बात करता, पूछता तो सही कि मैंने वो सब क्यों किया था। एक लकी, मैं जानता हूं कि मुझसे गलती हुई है। नहीं, मुझे तेरी अब कोई बात नहीं सुननी। मेरी बात सुन लकी, मेरी बात सुन। मैंने कहा ना, मुझे तेरी अब कोई बात नहीं सुननी। लक्ष्य, मैं तुझे इस वाला के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। लक्ष्य, मुझे तेरी अब कोई बात नहीं सुननी। संस्कार, लक्ष्य, लक्ष्य एक बार सुन तो लो, स्वरा के बारे में कुछ कहना चाह रहा है। माँ, आप इनकी बात पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? ये तो अपने परिवार के भी सगे नहीं, हमारी शुभचिंतक कैसे हो सकते हैं? आंटी, आंटी आप मेरी बात पे विश्वास कीजिए। आंटी मैं जानता हूँ। शट अप, जस्ट शट अप। तुमने हमें एक बार नहीं, दो बार धोखा दिया। एक बार वो मरने का नाटक करके, फिर ये सब, ये पागलपन, क्योंकि तुम्हें अपने परिवार से कोई बदला लेना था। अरे किससे बदला लेने आए थे तुम? अपनी माँ से, अपनी मॉम से, अपने पापा, अपने बड़े पापा से, अपने भाई बहनों से, मुझे से, अपने बेस्ट फ्रेंड से। तू मुझे बर्बाद करने आया था। नहीं लक्ष्य, लक्ष्य इस झूठे धोखेबाज पर अपने हाथ उठाकर अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है। इसकी तो फितरत ही है धोखा देना। आज इसे अपने परिवार का हिस्सा कहने में भी हमें शर्म आ रही है, लेकिन आज इसे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। आदर्श, बुलाओ पुलिस को। नहीं भाई साहब, भाई साहब ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारा बेटा है जी। इतना ही तो है, ये सिर्फ तुम्हारा बेटा है और किसी का कुछ नहीं। इसीलिए इसकी आज तक की सारी गलतियों पर पर्दा डालती रही तुम। ना इसे सही गलत का फर्क सिखाया, ना सीखने दिया। लेकिन सुजाता, अगर माँ बाप अपने बच्चों की गलतियों का साथ देते हैं तो आने वाले वक्त में वो साथ आगे चलकर अभिशाप बनकर खड़ा हो जाता है। पर भाई साहब, माफी तो मांगी ना इसने, आपके पांव छू के माफी मांगी। इसको अपनी गलती का तो एहसास हो गया है ना। आखिरी बार मौका दे दीजिए, बस आखिरी बार माफ कर दीजिए इसे। जी 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 जी, समझाइए ना भाई साहब को, बोलिए ना कि हमारे बेटे को जेल ना भेजा। जी जी, वो आपका भी तो बेटा है ना, माँ बोलता है वो आपको। बोलिए ना भाई साहब से कि हमारे बेटे को इतनी बड़ी सजा ना दे। जी जी, मैं अपने बेटे को लेके बहुत दूर चली जाऊंगी, लेकिन अब उसे हमारे से दूर ना करो। जी 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 जी, बोलो ना भाई साहब को। जी जी भाई साहब, अच्छा हमारे खाते नहीं जी, अपने छोटे भाई के लिए मान जाओ भाई साहब, हमारे बेटे को जेल ना भेजाओ भाई साहब। सुजाता बिल्कुल ठीक कह रही है। माना कि संस्कार ने बहुत सी गलतियां की, लेकिन वो इस घर का बेटा था और हमेशा रहेगा।
कर दीजिए। ठीक है अनुपूर्णा, लेकिन एक शर्त पर, कि आज अभी इसी वक्त हमारे परिवार को छोड़कर दूर चला जाएगा और पलट कर कभी हमारे परिवार की तरफ देखेगा भी नहीं। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, मैं आप सबसे दूर चला जाऊंगा, लेकिन एक बार मेरी बात सुन। मेरी बात मान लीजिए लक्ष्य, मेरी बात मान। ये रागिनी जैसी दिखती है वैसी है नहीं। इससे स्वराज हो बस, हमें तुम्हारे झूठ सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम जा सकते हो। देखिए बड़े पापा, सुना नहीं पापा ने क्या कहा? लकी तू मेरी बात सुन। जसली, और तुम्हारे लिए मैं सिर्फ लक्ष्य हूं। लकी कहने का तुम खो चुके हो। संस्कार, मेरे भाई मेरी बात सुन। मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं हूं और तुम किसी रिश्ते के लायक नहीं हो। आज से 5 साल पहले मैंने बताया था पापा को तुम्हारे और कविता के बारे में, क्योंकि मैं उन्हें मनाना चाहता था। चाहता था कि हमारा परिवार साथ में खुशी खुशी रह सके। हाँ तो क्या किया भाई जाने, मारने की जगह हमारे बेटे और बहू का मरवाने के लिए गुंडे भेज दिए थे। सही नहीं है, ये सही है कि हम उस रिश्ते के खिलाफ थे, मंजूर नहीं था हमें ये रिश्ता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी की जान ले लें। मत भूलो सुजाता, कि उन गुंडों को उनकी करने की सजा दिलाने वाले हम थे, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने वाले हम थे। बड़े पापा, उस वक्त आपसे बात ना करके मैंने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। प्लीज आज आप वो गलती मत दोहराइए बड़े पापा, मुझे एक और मौका दीजिए, मेरी बात सुनिए। आप चाहिए तो आप मारिए मुझे पापा, मारिए, ये मारिए, मारिए, मार रहे हैं, लेकिन एक बात, मेरी बात सुन लीजिए पापा। ले जाओ इसे, दूर कर दो हमारी नजरों से इसे। ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन बहुत जल्द मैं अपना सच साबित करने वापस आऊंगा। वो भी सबूत के साथ। जाओ। से बात करनी है हमारे को।
शेखर बाबू, आज ये जो कुछ हुआ उसके लिए हम आप सभी से माफी मांगते हैं, लेकिन इसका असर हम आज के कार्यक्रमों पर नहीं पड़ने देंगे। गुरा का कुछ पता चला? गुरा का कुछ पता चला मतलब क्या हुआ उसे? पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। स्वरा यहाँ पे आई थी? कौन स्वरा? शर्मिष्ठा की बेटी? हाँ। वो तो आके चली गई। वो अकेली आई थी या रागिनी भी उसके साथ थी? वो अकेली आई थी। सुनो, क्या हुआ? उसे कुछ हुआ है क्या? उसके पिताजी भी उसके बारे में बहुत पूछताछ कर रहे थे। नहीं, कुछ नहीं पंडित जी। आपने इन्हें यहाँ पे कहीं देखा है? आपने इन्हें यहाँ पे कहीं देखा है? भैया, आपने इन्हें यहाँ पे कहीं देखा है? है, देखा था ना। ये अकेली थी या कोई इनके साथ भी था? अकेला था, अकेला। स्वरा अकेली थी तो अचानक कहाँ चली गई? आज उसका व्रत भी था, इसका मतलब रागिनी उसके खाने में कुछ मिला भी नहीं सकती। तो फिर स्वरा 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 दिया। इसका मतलब रागिनी स्वरा के साथ थी, इसका मतलब स्वरा यहीं कहीं आसपास है। स्वरा स्वरा, तू क्यों कर रही हो ये सब रागिनी? क्या हुआ दादी माँ? मैंने आज सच जानना है लाडो। देख, तू और मैं बहुत पहले से जानते थे ये संस्कार पागल ना है, पर हमने किसी को कुछ ना बताया। राज, सबके सामने तूने ये राज क्यों खोला? अरे कसम खा, और बता ये हो रहा है ये सब? दादी माँ, सच यही है कि हम गुनेगार हैं, ये सब हमारी वजह से हो रहा है। स्वरा का कुछ पता नहीं चल रहा है, और पुलिस वाले भी बोल रहे हैं कि जब तक 24 घंटे नहीं निकल जाते उसकी गुमशुदगी की एफआईआर भी दर्ज नहीं कर सकते वो लोग। शेखर, मुझे बहुत चिंता हो रही है। यानी स्वरा कहाँ है, क्या बीत रही होगी उसके साथ? पापा, कहीं इन सबके पीछे संस्कार तो नहीं? माँ, आपको याद है स्वरा को बहुत पहले से शक था कि संस्कार पागल नहीं है। हाँ लक्ष्य, और आज भी वो स्वरा के बारे में कुछ बताना चाह रहा था। शायद उसे पता हो कि स्वरा कहाँ है। लाडो, तू अभी भी लक्ष्य के पीछे पड़ी,
किसने गायब किया? शेखर चलो हम नदी के पास जाके देखते हैं, वहां कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। या तो फिर संस्कार संस्कार को ढूंढते हैं और पूछते हैं उसने स्वरा के साथ क्या क्या होगा। क्यों लक्ष्य? पापा स्वरा का वीडियो मैसेज आए। क्या है लक्ष्य? देखो वो ठीक तो है ना? हाँ माँ। लड़ो तुमने किया ये सब? हाँ दादी माँ, हमने को निगाह रहे। पहले हमने संस्कार का साथ दिया क्योंकि हम भी उनकी तरह भटक गए थे और तब से लेकर आज तक आप हम पे शक करती आ रही हैं। तभी तभी नानी माँ सीढ़ियों से गिरी थी और आज भी जब जब हमने सबको संस्कार का सच बता दिया। दादी माँ अगर आपको लगता है ये सब हमारी वजह से हो रहा है तो हम मान लेते हैं कि ये सब हमारी गलती की वजह से हो रहा है। साफ साफ पता लटो तुम कहना क्या चाहती है? दादी माँ हमने संस्कार का सारा सच सबको इसलिए बताया क्योंकि वो स्वरा के साथ कुछ बहुत गलत करने वाले थे जिससे स्वरा और लक्ष्य का रिश्ता टूट जाता और हम तो अपनी बहन की जिंदगी तबाह होते हुए नहीं देख सकते ना। ये तो हमारे कर्मों का परिणाम है कि आज हमारी अपनी दादी माँ हम पर शक कर रही है। दादी माँ अगर आपको लगता है कि ये सब हमारी वजह से हो रहा है तो हम अभी जाके सब कुछ बता देते हैं कि हमारी वजह से आज स्वरा यहाँ नहीं है और ये सच भी तो है ना। अगर हम स्वरा के साथ जाते तो ये सब नहीं होता। तो क्या हुआ अगर उसने हमें रुकने के लिए कहा? हमें उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी। वो हमारी बहन है, हमारी जिम्मेदारी, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए ना। ऐसी बात ना है लाडो। नहीं दादी माँ ऐसी ही बात है। हम अभी जाके सबको सब कुछ सच सच बता देते हैं और वो हमारी बात पर विश्वास भी तो कर लेंगे। सभी जानते हैं कि हम लक्ष्य से बहुत प्यार करते थे, हम उनसे शादी करना चाहते थे। तो क्या हुआ अगर हम एक चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते? ये तो हमारी बहन है। और दादी माँ हमारे सच से स्वरा की शादी बच जाएगी, स्वरा की इज्जत बच जाएगी। हाँ लाडो 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 मारी बात सुन, मारे को माफ कर दे लाडो। देख मारा वो मतलब ना था लाडो। लाडो लाडो सुन, ये हुआ शिखा, स्वरा का कुछ पता चला। इतना सन्नाटा क्यों है? कहाँ है स्वरा? पापा पापा स्वरा कहाँ है? स्वरा ठीक तो है ना पापा? शिखर कुछ बोल ना, कठे है स्वरा। हाँ दादी माँ, हमें पता चल गया कि स्वरा कहाँ है। स्वरा कहाँ है? स्वरा कहाँ है? स्वरा कहाँ है?